आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आप सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला खाली करने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राघव चड्ढा को पंडारा रोड पर सरकारी टाइप 7 बंगले में रहने का वैध अधिकार नहीं है। यह बंगला लुटियंस के अंतर्गत आता है और इसका आवंटन रद्द हो चुका है, इसलिए बंगले में रहने का अधिकार उनके पास नहीं है। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आप सांसद राघव चड्ढा ने 3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई सिलेक्टिव है, पहली बार चुने गए ऐसे सांसद जिनके पास उनकी पात्रता से ऊपर समान आवास है लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया। दरअसल बीते सप्ताह पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने अपने अंतरिम आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें बंगले से बेदखल करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। टाइप 7 बंगला उन सांसदों को आवंटित किए गए हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ट्रायल कोर्ट का आदेश निष्पक्ष नहीं। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जज अनूप जयराम भंबानी ने चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और राज्यसभा सचिवालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रम बनर्जी को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सिंघवी ने आदेश को बताया कि उन्हें शुक्रवार को सार्वजनिक परिषद अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में संपदा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।